ये देखें, ये अंदर किचन भी छोटा सा है, अटैच किचन। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका भाई सनावला मक्का मुकरमा से इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम खलील रोड पे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है कैमरे वाला इशारा, इसको बोलते हैं कैमरे वाला इशारा, ठीक है। ये रोड अजियाद की तरफ जाता है और ये आगे इब्राहिम खलील रोड है। ये इस तरफ काकिया वाली साइड पर जाएगा और ये रोड इस तरफ जाएगा इब्राहिम खलील, सीधा कबूतर चौक की तरफ, क्लॉक टावर की तरफ। ये देखें, ये क्लॉक टावर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और पहले मैंने इधर एक होटल पे व्लॉग बनाया, वो है सामने हिबा हिजरा 6, वो इसके ये सामने वाली बिल्डिंग हिबा हिजरा 6 की है। और ये है इधर इस तरफ पार्क, ठीक है। ये देखें, ये पार्क है सामने, और जिस होटल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम है समाल बैत, वो इस तरफ गली में है। और इधर एक और होटल है एम मलिनियम बाय मक्का। ये सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है इसके साथ वाली एम मलिनियम की बिल्डिंग है। तो चलिए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ होटल का। इस गली में होटल है, शटल सर्विस होटल है और बहुत ही चीप रेट्स हैं इसके, तो मैं अंदर से विज़िट करवाऊँगा इसका आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये होटल है, ये इसकी बिल्डिंग है सारी। ये बोर्ड लगा हुआ है समाल बैत, ये इसकी बस खड़ी है। ये इस तरह गली के अंदर आएंगे आप, एक मिनट की वॉक है वहाँ से, जहाँ से ये गाड़ी देखे इंटर हो रही, पहले मैंने वहाँ से खड़े होके वीडियो बनाई है, ठीक है। और ये आप इस तरह अंदर आएंगे तो ये इसकी बस खड़ी है, एक बस इसकी ये है, दूसरी बस इसकी हरम गई हुई है, ठीक है। ये है समाल बैत। और ये अभी मैं आपको होटल के अंदर से विज़िट करवाऊँगा। ये होटल है, ये यहाँ पे भी बोर्ड लगा है, पीछे भी आपको दिखाया है समाल बैत, ठीक है। तो चलिए अभी आपको मैं अंदर से होटल का विज़िट करवाता हूँ। अच्छा जी, ये है इसकी लॉबी, ये लॉबी एरिया है सारा समाल बैत का। ये देखें, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है ये लॉबी एरिया सारा। इसकी आप छत देखें, तो चलें छत तो नहीं दिखानी आपको, होटल दिखाना है, रूम दिखाने हैं जिस मकसद के लिए आए हैं। बाकी ये इसकी लॉबी है सारी, काफ़ी बड़ी लॉबी है, ये देखें आप, ठीक है। और ये इसके नीचे इसका पी फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी इंडियन खाने का होटल। ये इस तरफ सारा रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, ये देखें, ये यहाँ पे पाकिस्तानी होटल है नीचे लॉबी के बिल्कुल साथ ही। और ये सारा लॉबी एरिया है, इसका जो मेन काउंटर है वो इस तरफ है, और ये मस्जिद बनी है इस तरफ। ये मस्जिद भी है नीचे वाले फ्लोर पे, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको ऊपर, रूम का विज़िट करवाऊँगा इसके। एक दफ़ा फिर से मैं आपको लॉबी दिखा लूं। अच्छा जी, ये इसकी लिफ्ट्स हैं, चार लिफ्ट्स हैं इसमें, एक दो तीन और ये चौथी लिफ्ट है, ठीक है। मस्जिद के लिए जो वज़ू खाना है वो इस तरफ है, वॉशरूम भी इस तरफ है, यहाँ से भी आप इंटर हो सकते हैं लिफ्ट से निकल के, लिफ्ट के बिल्कुल सामने ही, ठीक है ऐसे। तो अभी मैं ऊपर आपको लेकर जाऊंगा, इसके फ्लोर का रूम का विज़िट करूंगा। इसकी जो लिफ्ट्स भी हैं, लिफ्ट्स भी बड़ी हैं, ठीक है। ये देखें, इसी तरह ही सारी लिफ्ट्स हैं, चारों लिफ्ट्स इसी साइज़ की हैं। अच्छा जी, अभी मैं आ गया हूँ समाल बैत के फर्स्ट फ्लोर पे, ये लिफ्ट्स आ गई, ठीक है। और मेरे पास रूम नंबर 102 की है, ये इस तरफ है, 101 से लेकर 120 तक, इधर है 121 से लेकर 141 तक, ठीक है। तो हमें जाना है इस तरफ, ये आ गया 114, इस तरफ हम जाएंगे। आप फ्लोर देखें कितनी सफाई है, ठीक है। एक फ्लोर पे 41 रूम्स हैं, सही है। तो हमारा रूम ये पीछे रह गया, ये है 102, ठीक है।
कार्ड कीज़ हैं, कार्ड स्कैन करेंगे। और ये है इसका जी रूम, 5 बेड्स रूम है ये देखें। ये अंदर किचन भी छोटा सा है, अटैच किचन, और ये अटैच वॉशरूम है साथ इसका। ये आप देखिए रूम इसका, इकोनॉमी होटल है लेकिन देखिए कितना साफ सुथरा है, और रूम भी काफ़ी बड़े हैं। रूम स्पेस देखिए आप, ये रूम के अंदर शीशा लगा हुआ है, टेबल है, और ये कबर्ड है, फ्रीज़र है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा रूम विज़िट करवाऊंगा इसका। ये 5 बेडरूम था। अच्छा जी, अभी जो मैंने आपको दूसरा रूम विज़िट करवाना है वो है रूम नंबर 103, उसके बाद 1023 123 विज़िट करवाऊँगा जी। देखें जैसे नीचे मस्जिद है वैसे ही हर फ्लोर पे छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, एसी भी लगा है इसमें, और ये पाया लिखा भी होगा, हर फ्लोर पे आपको इसी तरह मस्जिद मिलेगी। तो अब ये मैंने जाना है 107 पे, पहले आपको दिखाया 102, ये है 107। कार्ड स्कैन करेंगे, ये भी 5 बेड वाला रूम है ये देखें, एक दो तीन चार और ये 5। ठीक है, हर रूम के अंदर आपको ऐसे ही छोटा सा किचन मिलेगा सामान वगैरह रखने के लिए, और ये साथ अटैच वॉशरूम है। इसमें कंबोर्ड भी है और दूसरी सादा सीट भी है। ठीक है, अभी हम चलेंगे रूम नंबर 123 में, 123 पे। रूम नंबर 123 इस तरफ है सामने वाली साइड पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ 121 से 141 हमारे लेफ्ट पे है। ये 22 है, 21 और 22 स्वीट रूम, और ये 23 और 24 ये भी स्वीट रूम है। ठीक है, तो मैं ये अभी ओपन करता हूँ। ये देखिए ये बड़ा रूम है, इसका जो किचन है वो इस तरफ है, ये दरवाजे के पीछे है किचन एरिया। ये 4 बेड रूम है, ये 4 बेडरूम है, ये फ्रीज़र है, एलसीडी है, और ये साइड टेबल्स हैं, और कबर्ड इसकी इस तरफ है, और इसका वॉशरूम जो है ये है इस तरफ। इसका वॉशरूम तंग है, कमरा बड़ा है लेकिन वॉशरूम तंग है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं मक्का के अच्छे अच्छे होटल्स के व्लॉग्स दिखाता रहूँ। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।